नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। टाल मटोल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टाल मटोल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। सर देन एक मिनट सर, हीरो मत बनिए, चलिए हीरो मत बनिए, हीरो नहीं बन रहा है, ये बात कर रहा है, चलो निकलो, अरे तो सबको निकाल दे, चलो हम तो पीछे जा जाओ, हीरो मत बनिए आप। बात तो फायदे से बताएगा तो ना भी कुछ करेगा, दो आदमी आप लोगों से आइए और चलिए सबको साथ में सर। आप किनारे करें, किनारे हो जाइए सर भाई, हम ठीक ठाक किनारे में सर भाई, आज आप किनारे करें, किनारे हो जाइए भाई, किनारे हो जाइए, पानी जो बढ़ रहा है तो पीछे सब है व्यवस्था, किनारे हो जाइए सब। राजद कार्यालय इसलिए पहुंचे हुए हैं हम लोग क्योंकि आरजेडी राजद पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के बात गरीब को सुनते हैं, और तो अगला पार्टी कोई सुना नहीं, 15-20 वर्षों से खाली लॉलीपॉप देते रहा बीजेपी वाले लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं कुछ दिए नहीं। अब हम लोग हर तरह से लाचार मजबूर हो गए हैं, और तेजस्वी भैया से बस यही कहना है कि हम लोगों को नौकरी दीजिए, अब हम लोग कहीं के लायक नहीं है। हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं वहाँ मौर्यालोक में, ठीक है, लेकिन हम लोगों का मन हुआ कि नहीं, हम लोगों का मेन मालिक तेजस्वी भैया हैं, तो हम लोग तेजस्वी भैया से एक बार फिर से मिल लिया जाए, इसलिए हम लोग आरजेडी ऑफिस में तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी आप लोगों की। जी हाँ, क्या कुछ बात हुई थी उस समय से? उसमें तेजस्वी यादव भैया बोले थे कि हमको कुछ दिन का टाइम, 7 दिन का टाइम दिया जाए, और 7 दिन के बाद फिर हम लोग उनको, वो उनके बात बोलने के बाद हम लोग उनके बाद फिर हम धरना बैठे। हम लोग क्या लगता है तेजस्वी यादव आप लोगों की मांग पूरी करेंगे? जी हाँ, हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो हमारी मांग को पूरी करेंगे, क्योंकि हमेशा गरीबों की बातों को वो उठाते आए हैं, तो इस बार हम लोग उम्मीद जता कर रहे हैं कि हमारी मांग को वो पूरा करेंगे। देखिए, नगर निगम के तमाम जो ये कर्मी हैं जो लगातार हड़ताल पर थे, यहाँ पर पहुँच गए हैं। बच्चों ने यहाँ पर मांग पत्र दिया है, मांग पत्र तो खुद उसमें कोई समझदार हैं समझ रहे हैं, आप कुछ नेताओं ने व्यापक ऐसी बात रख दी है जो राज्य सरकार का, भारत सरकार, संविधान का संशोधन, ऐसे कानून की बात जो राष्ट्रीय कानून है, इस पर प्रतीक्षा करके भी आदमी यहाँ से कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जो इनकी एडवांसेज है हम लोग अच्छे ढंग से उप मुख्यमंत्री और इस महकमे के मंत्री हम लोग सुपुर्द कर देंगे, इसीलिए मैंने इसे समझने का प्रयास किया और कहा कि कोई भीड़ कोई बात नहीं समझा सकती है, तो जब भी कभी कोई भी आवे ग्रीवांसी चीज के हो, किसी कॉर्नर का कोई एग्रीड पर्सन हो, हमेशा ये राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यालय खुला है, हम खुले हृदय से उनकी बात को सुनेंगे और सरकार तक बातों को ले जाएंगे, और निश्चित इस राज्य का उप मुख्यमंत्री जब बेरोजगारों की काम की बात देने की करता है, तो अर्थात उसके परिवार की परवरिश का साधन देने की बात करता है, और ये किसी रूप में काम में आ गए हैं, तो उनके जीविकोपार्जन का जो साधन है उनकी परिश्रम से उनके परिवार का, उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई उनको न हो, वो निश्चित रूप से संवेदनशील सुनवाई उन्हीं की तरफ से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हर बात को अकेले वही सुनते रह जाएंगे तो सुनते ही रह जाएंगे, काम करने के मौके नहीं मिलेंगे। राज्य बहुत बड़ी चीज़ है और व्यक्ति उसका है प्रधान, लेकिन उसके भी जो दर तरीके बने हैं, उस तरीके में जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं उसके द्वारा सारी बातें वहाँ तक जाती हैं और उसका हल होता है, यही तरीका है, वही तरीके अपने
आंदोलनकारी साथियों को समझाया कि भाई सरकार का दफ्तर नहीं है लेकिन हाँ तुम्हारा भी दफ्तर है, आओ तरीके से समझाओ और हम लोग उस बात को सरकार तक पहुँचा दें। हम बात इतनी हुई।